आज हम आप लोग को जक्स्टामेडुलरी ऑपरेटस के बारे में बताएंगे। जक्स्टामेडुलरी ऑपरेटस जो होता है, ठीक है, वो किसमें पाया था? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि नेफ्रॉन दो टाइप का होता है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो कहां पाया जाता है? कॉर्टेक्स रीजन में। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो मेनली कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में पाया जाता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उसमें लूप ऑफ इनले ज्यादा लॉन्गर होती है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ इनले अब्सेंट या बहुत छोटी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जक्स्टामेडुलरी ऑपरेटस पाए जाते हैं, और जक्स्टामेडुलरी जो ऑपरेटस होता है वो तीन चीज से मिलकर बना होता है। क्या क्या? पहला है अफरेंट आर्टियोल, दूसरा है इफरेंट आर्टियोल, और तीसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देख लें, ये हो गया डीसीटी, इसको क्या कहेंगे? डीसीटी। इसमें दो तरह के आर्टियोल पाए जाते हैं, एक हो गया अफरेंट आर्टियोल और दूसरा आर्टियोल हो जाएगा इफरेंट आर्टियोल। दूसरी कौन सी आर्टियोल है? इफरेंट आर्टियोल। ठीक, ये हो गई अफरेंट आर्टियोल और दूसरी हो गई इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल जो डीसीटी है उसमें स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है। इस सेल्स को क्या कहते हैं? मैकुला सेल। और इफरेंट अफरेंट आर्टियोल है वहां भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जा रही है, पूरे पे तो नहीं बना रहे हैं, वहां भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोबुलर सेल। इन सेल को क्या कहेंगे? जक्स्ट्रा ग्लोबुलर सेल्स। और ये जो डीसीटी है इसके ऊपर यहां भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें हम कहेंगे लाइसिस सेल या लाइसिस सेल, या इसी को कहा जाता है मीजन ग्लियल सेल। कैसी सेल कहा जाएगा? मीजन ग्लियल सेल। अब इन तीनों सेल के फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, जो मीजन ग्लियल सेल्स होती है वो फैगोसाइटिक नेचर की होती है। कैसी होती है? फैगोसाइटिक नेचर की। ये फैगोसाइटिक नेचर की होगी। जस्ट्रा ग्लोबुलर सेल्स जो होती है वहां से एक एंजाइम सिक्रेट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रेनिन। ठीक है, क्या सिक्रेट होगा? रेनिन। ऐसे ही हम एक और रेनिन देखे थे, वो क्या था? RENIN। ठीक है, ये रेनिन। ठीक, ये रेनिन जो होता है स्टमक में सिक्रेट होगा। ठीक है, ये रेनिन कहां सिक्रेट होगा? स्टमक में। और ये रेनिन कहां है? किडनी में। इसमें डबल यन है, इसमें सिंगल यन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मिल्क प्रोटीन को मिल्क प्रोटीन जो कैसीन होती है उसको डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो जक्स्ट्रा ग्लोबुलर सेल से क्या सिक्रेट होगा? रेनिन। ठीक, जक्स्ट्रा ग्लोबुलर सेल्स जो होती है
वो व्यवहार करती है एक तरह से बैरो रिसेप्टर के समान। किस रूप में व्यवहार करती है, एक्ट करती है, बैरो रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है अफेरेंट डिफरेंट आर्टिकल में, वो कौन मेजर करता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इसी इसको क्या क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन एंजाइम निकलता है। ठीक, जो मैकुला सेल्स है ये सेंस करती है सोडियम आयन के लेवल को, सोडियम आयन घट रहा है कि बढ़ रहा है, उसको कौन सेंस करेगा, मैकुला सेल। इसीलिए इसको हम कहते हैं, ये व्यवहार करती है किस रूप में, मैकुला सेल्स एज ए कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। तीसरा, हम लेंसिस सेल देख चुके हैं, क्या है, फैगोसाइटिक नेचर। तो इस तरह हम देखते हैं जक्स्टा मिलिनरी ऑपरेटस जो होता है वो तीन सबस्टेंस से मिलकर बना है, तीन पार्ट से मिलकर बना है, अफेरेंट आर्टियोल, डिफरेंट आर्टियोल, डीसीटी। तो क्वेश्चन अक्सर कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि जक्स्टा मिलिनरी ऑपरेटस जो होता है कितने पार्ट का बना है, तीन पार्ट, अफेरेंट, डिफरेंट, डीसीटी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जक्स्टा मिलिनरी ऑपरेटस में कौन सी स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, तो एक मैकुला सेल्स हो गई, दूसरी लेसिस सेल हो गई, और तीसरी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हो गई। फंक्शन दो का पूछा गया है, मैकुला सेल का क्या है फंक्शन, है सोडियम आयन के प्रति सेंसिटिव है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वो रेनिन का सिक्रीशन करती है और प्रेशर जो चेंज होता है उसको उसके प्रति सेंसिटिव होती है। तो इसे क्या कहते हैं, ये एक्ट करती है किस तरह से, व्यवहार करती है बैरो रिसेप्टर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह हम देखें जक्स्टा मिलिनरी ऑपरेटस किस चीज से बना है और क्या क्या इसके फंक्शन है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे कि किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है, किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।